बिजनौर के रहने वाले जुनैद अहमद इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरे स्थान पर रहे हैं। जुनैद को पांचवी कोशिश में ये सफलता हाथ लगी है। पिछले साल 392 रैंक आने पर जुनैद को IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली थी। इस समय ये फरीदाबाद में IRS की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जुनैद 2014 से इस परीक्षा की तैयारी में जुटे थे और शुरुआती असफलता से वो काफी ज्यादा निराश हुए। जुनैद NCERT बुक्स को IAS की तैयारी का आधार मानते हैं। आइए जुनैद से जानते हैं कि रिजल्ट के बाद उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। जैसे मैंने सबको बताया, सबसे पहले तो लोगों ने यही बोला, दोबारा देखो यार तुम्हारे ही है या किसी और का है। मैं खुद भी वो तो था कि आ जाऊंगा लिस्ट में, बट थर्ड रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट काफ़ी खुश थे सब लोग, सब लोगों ने खूब मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो सर एम होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिना एम के लाइफ ट्रैक पे नहीं रहती। तो हर एक को एक एम ज़रूरी है, जैसे मैंने UPSC को एम बनाया। दूसरा हार्डवर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाता है। और तीसरा फेलियर्स, आप उसको कैसे देखते हो। ये तीन चीज़ें हैं, अगर आप इनको सही से आप हैंडल कर लेते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस्लाम की भी अगर बात करें तो उसका सबसे पहला चीज़ ही है इकरा बिस्मे रब्बी का, कि पढ़ो सबसे पहली चीज़ है। और एज अ मुस्लिम आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो चीज़ों को। और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं वो जॉब करूं जो एक तो मीनिंगफुल हो, सबसे पहले मीनिंगफुल इन द सेंस के मेरे अपने पर्सनल एवेन्यूज़ हों ग्रोथ के लिए, जिसमें मैं सेटिस्फाई फील कर सकूं, जिसमें मैं खुश रह सकूं। और प्राइवेट नौकरी में मुझे लगता था कि वो मैं नहीं रह पाऊंगा, अगर मैं सोसाइटी से बहुत जुड़ा हुआ हूं, लोगों की प्रॉब्लम्स से जुड़ा हुआ हूं, उस चीज़ में मैं उस जॉब को मीनिंगफुल समझता था। दूसरी जो मैं रिक्वायरमेंट थी वो रिवार्डिंग होनी चाहिए जॉब, और किसी लोगों की हेल्प करना और उसके बदले जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे हमेशा। UPSC का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है, क्योंकि नया स्टूडेंट जो आता है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कैसे स्टार्ट करे। अंडर द सन उसको लगता है कि सब कुछ UPSC में पढ़ना है। तो एक UPSC में कहावत है कि मोर देन व्हाट टू रीड यू शुड नो व्हाट नॉट टू रीड। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो एक फोकस स्टडी अगर आप रखेंगे ट्रैक पे तो बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को लेके पढ़ा। मेरे लिए बेसिक बुक्स थी स्टार्टिंग में, तो जैसे लोगों ने बताया, सीनियर्स ने बताया, वो आपको एक बेस बनाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इंटरनेट आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो। तो आप प्रोडक्टिव यूज़ इंटरनेट का कैसे करते हो, वो इस प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे ओपिनियन फॉर्मेशन हो, चाहे किसी इशू को समझना हो, वो सब काफ़ी इंटरनेट के थ्रू मुझे हेल्प मिली। देखिए, थोड़ा तो आपको कट ऑफ होना पड़ता है एक सोशल लाइफ से, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को रूम में लॉक कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको मेंटल प्रेशर पड़ता है और आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। मेरा हमेशा से ये टारगेट रहता था कि मैं किसी भी तरीके से 8 आवर्स 9 आवर्स जो मेरे पढ़ाई के होते थे उनको कंप्लीट करके, और 1-2 आवर्स स्पोर्ट्स के और 1-2 आवर बाहर वॉक के और इन सब चीज़ों के लिए निकालूँ, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो हमेशा ये बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ के आपका एक पैशन होना चाहिए लाइफ में। तैयारी अगर आपको करना है तो जस्ट तैयारी के पर्पज़ से नहीं, आपको कुछ एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ एम होना चाहिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने जैसे बोला कि फेलियर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, आप किस तरीके से देखते हो। क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मैंने हर स्टेज पे फेलियर देखा है इसकी प्रिपरेशन में। तो हमेशा आप फेलियर को आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो एंड ऑफ लाइफ है, उसको हमेशा सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ो, हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ हारोगे नहीं। IAS परीक्षा में 5वें अटेम्प्ट में सफल हुए जुनैद की कहानी सभी स्टूडेंट्स को अथक प्रयास करने की प्रेरणा देती है, साथ ही डू नॉट स्टॉप टिल यू अचीव योर गोल को सार्थक भी करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।